हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज है संडे और हमें काफी सारे काम निपटाने हैं, सो इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गाइस, इस तरफ मोना पेंटिंग बना रही है। क्या कर रहे हो? मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। किसकी बना रहे हो? मैं आदमी की बना रहा हूँ। आदमी कौन है ये? आदमी। अच्छा, और भी बना रखी है तुमने पेंटिंग? किधर? इसमें दिखाओ, मैं देख लूँ। तो मोना आज अपने घर जा रही है। मोना फिर कब आओगी? एक महीने बाद में आऊंगी। पक्का? प्रॉमिस। गाइस, आज हम खजाना निकालेंगे, तो आप तो वीडियो में बने रहना। दिखाओ तो नीचे, ये आप दोस्तों खजाना है, उसे खोद के। तो मैं कोई खजाना नहीं निकाल रहा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं यहाँ पर सरकरकंदी निकाल रहा हूँ दोस्तों, हमने दबा रखी थी यहाँ पर, ये देखो दोस्तों हमने सरकरकंदी पौध के लिए दबाई थी 3 महीने पहले, यहाँ पर दबाई थी ताकि ये गले। सरकरकंदी गड्ढे से बाहर निकाल दी है और ये पीछे अमरूद का पेड़ है दोस्तों, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, आज दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो दोस्तों, इतना बड़ा पेड़ है, काफी मस्त लग रहा है। दोस्तों मैं खेत पर आया हूँ क्योंकि हमें सरकरकंदी की पौध लगानी है। खैर वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाता हूँ। दोस्तों फसलें तैयार होने के बाद देखो खेत कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल हरे भरे खेत हो रहे हैं। दोस्तों खेत पर एक बेर का पेड़ है और उसके बेर भी लग रहे हैं पके हुए, ये देखो दोस्तों, तो तोड़ते हैं और फिर खाते हैं। दोस्तों बेर तोड़ लिए हैं और खाकर बताते हैं कैसा है, एक नंबर है दोस्तों टेस्ट तो। दोस्तों अब कुएं पर जिस काम के लिए आए हैं वो काम करते हैं। इस पौधे के लिए स्वीट पोटैटो को बो दिया है और अब मैं आपको दूसरी लोकेशन पर लेकर चलता हूँ। गाइस इस वक्त मैं सरसों के खेत के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो अब ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। काम करते हुए दोस्तों मेरे कपड़े हो गए हैं गंदे, समस्या ये नहीं कि मेरे कपड़े गंदे हो गए, समस्या है कि आपके भाई के पास कपड़े धोने वाली नहीं है, क्या वॉशिंग मशीन नहीं है, गलत मत समझना दोस्तों। गाइस अगर आप बिगनर हो तो आप सरसों के खेत में ब्लॉग शूट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर आप ब्लॉग अच्छा बनता है तो आप अपलोड कर सकते हो, वरना फिर से शूट कर सकते हो, यही है यहाँ का सबसे बड़ा फायदा। दोस्तों यहाँ पर हमारी बाइक खड़ी हुई है, हम सुबह तो बाइक से आए थे, तो आपका भाई जा रहा है पैदल, क्योंकि दोस्तों आपकी बाइक से बाइक छीन ली गई है, घर वालों ने बाइक रख ली, वो पशुओं के लिए शाम को चारा लेकर आएंगे। तो दोस्तों
दोस्तों आपके साथ भी होता है कि आपसे काम भी करवा लिया जाता है और फिर बाइक भी छीन ली जाती है और आपको पैदल ही जाना पड़े, तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, इसलिए दोस्तों हम पैदल ही घर जा रहे हैं। दोस्तों आज तो हवा भी काफी तेज चल रही है, बाल सेट करके आया था चुके हैं खराब, देखो कैसे उलझ रहे हैं। फाइनली दोस्तों मैं घर आ गया हूँ और दोस्तों काफी ठंडी हवा चल रही है, काफी मस्त मौसम हो रहा है, बिल्कुल सुहाना हो रहा है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो और ना डिसलाइक भी कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है मैंने खेत में रील बनाई थी, तो मैंने वो रील इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी है, आप वहां पर जाकर देख लेना, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।